Hi everyone, welcome to a new video. I'm Dr. Deepti Shukla and I'm a dermatologist and trichologist. आज हम बात करेंगे मिस्टर रितेश से जिनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन हमने कल ही किया है. सो हेलो मिस्टर रितेश, कैसे हैं आप? हम बढ़िया, आप? कल ही सर्जरी हुई है आपकी, कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है मैम. कोई डिस्कम्फर्ट, कुछ पेन, कुछ कहीं कुछ भी आपको लग रहा है? ऐसा लग रहा है कल सर्जरी हुई है इतनी बड़ी? मतलब हल्का स्वेलिंग जो है वो उसका तो है, लेकिन इतना ज्यादा कुछ नहीं है. बट स्वेलिंग अभी तो नहीं है फेस पे आपको कल? फेस पे नहीं, मतलब बैकग्राउंड बैक पे हैवीनेस लग रहा है. हाँ, वो हैवीनेस लोकल एनेस्थीसिया के वजह से लगता ही है थोड़ा सा. वो धीरे धीरे वेयर ऑफ हो जाता है ग्रेजुअली, डोंट वरी. तो सर्जरी की ड्यूरेशन, जब कल सर्जरी चल रही थी तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था? कितने कंफर्टेबल थे आप? कंफर्टेबल एज इन जब ग्राफ्ट निकाले जा रहे थे उस वक्त थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा था कि कितना निकलेगा कितना नहीं निकलेगा, बट जैसे जैसे मतलब ड्यूरेशन आगे बढ़ा तो मतलब इजी हो गया था. इजी हो गया. आई नो हेयर ट्रांसप्लांटेशन टीडियस प्रोसीजर होता है, बहुत देर तक लेटे रहना पड़ता है. राइट. बट आप सर्जरी के टाइम पे कंफर्टेबल थे? टीम बहुत अच्छी थी, बहुत सपोर्टिव थी, कोई इशू नहीं हुआ. अब आपको कैसा लग रहा है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद? आज अभी तो काफी अच्छा लग रहा है. अब एक बार रिजल्ट देख लेंगे तो और अच्छा लगेगा. अभी आप खुश हैं अपने जो भी डेंसिटी दिख रही है फिलहाल? अभी तो फिलहाल काफी सेटिस्फाइड हूँ मैं. सो न्यू रूट्स हेयर क्लिनिक जो यहाँ बैंड्रा में है, यहाँ से मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया है. और यहाँ पे मैं अपने भाई के रिकमेंडेशन से आया था और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ से ट्रांसप्लांट करा के. आगे भी अगर मेरा कोई भी फ्रेंड्स है, रिलेटिव अगर जिन्हें ट्रांसप्लांट कराना हो तो मैं ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगा. ठीक है, थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम.